मधु कोटिया, आपकी स्पिरिचुअल काउंसलर। आज हम बात करेंगे मदर नेचर के बारे में और हीलिंग के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एक वायरस की वजह से इंसानों की जिंदगी बहुत स्लो हो गई है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर अंडर क्वारंटाइन। तो इस समय बहुत सब लोगों ने ये भी नोटिस किया है कि मदर नेचर खुद को हील कर रही है, और सब जो पशु पक्षी हैं वो बाहर निकल कर आ रहे हैं, जिन्हें हमने बहुत समय से नहीं देखा था। तो क्यों ना हम घर पे बैठकर मदर नेचर की हीलिंग में थोड़ा सा सपोर्ट करें, और इससे हम अपनी एनर्जीज को भी पॉजिटिव और बैलेंस कर सकें। तो हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं? हम शुरू कर सकते हैं अपने घर के प्लांट्स से, जिनका आपने कभी केयर ही नहीं किया। शायद कोई माली आता है या नहीं आता है, कभी आप पानी देते हैं कभी नहीं देते हैं। तो आप अपने घर के प्लांट्स को सबसे पहले टेक केयर करना शुरू कीजिए, उनके साथ एक कनेक्शन बनाइए। प्लांट्स में भी एक हीलिंग एनर्जी होती है जो हमें हील करती है। आप प्लांट्स के साथ थोड़ा समय बिताइए और उनकी ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए। ये आपको काफ़ी अच्छा फील कराएगा, क्योंकि प्लांट्स से जो एनर्जी आती है वो आपके प्राणा, आपके ऑरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो हम कर सकते हैं, हम एक समय पर, जैसे कि बहुत सारे जगह पर बहुत सारे लोग रात के 9 बजे मेडिटेशन में बैठ रहे हैं मदर अर्थ को हील करने के लिए और हीलिंग्स एक्सटेंड करने के लिए उन लोगों पे जो कि सफ़र कर रहे हैं। तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। रात के 9 बजे आप 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपको कंफर्टेबल हो, आप बैठिए मेडिटेशन में, प्रेयर में, और उन सब के लिए मेडिटेट कीजिए। हीलिंग्स अगर आपको आती हैं तो हीलिंग एनर्जी एक्सटेंड कीजिए मदर अर्थ के लिए और उन लोगों के लिए जो सफ़र कर रहे हैं। यहाँ पर एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी, खास करके दिल्ली के लोगों के लिए और बाकी के अदर स्टेट्स के लिए भी, जो स्ट्रेज हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, स्ट्रे कैट्स हैं, जिनको हम लोग और बहुत सारे एनजीओस फीड करते थे सड़कों पे जाके, अभी बहुत सारी जगह पे उनको खाना नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने स्ट्रेज का ध्यान रखना ना भूलें। जैसा कि आप अपना ध्यान रख रहे हैं, आप उनका भी ध्यान रखिए। कम से कम एक समय आप बांध लीजिए और स्ट्रेज के लिए फूड रखना शुरू कीजिए, उनके लिए पीने का पानी रखना शुरू कीजिए, क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स नहीं है फूड की। जैसे पहले ज़माने में जब सब जानवर जंगल में रहते थे, नेचर से उनको फूड मिल जाता था, लेकिन अब जब हमने इतने शहर डेवलप कर लिए, इतनी बिल्डिंग्स हैं, तो उनको नेचुरली फूड नहीं मिलता। उन्हें आदत है कि हम उनके प्रोवाइडर हैं और वो हमसे फूड लेते हैं। तो प्लीज़ उनके लिए आप फूड रखना शुरू कीजिए और अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए।